अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल ब्राइट फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे हो गए। दिस साइड ताबिंदा अंजुम। रमज़ान चल रहे हैं और आज हो चुका है 17वां रमज़ान। रमज़ान बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। आप मुझे बताइए, आपको पता लग रहे हैं या नहीं लग रहे? क्योंकि उस वक्त एक रमज़ान हुआ करते थे जुलाई अगस्त में, जब हम स्कूल भी जाते थे और कितनी बेतहाशा गर्मी हुआ करती थी। फिर ये अभी जुलाई में भी, फिर जून मई में भी रमज़ान होते थे, लेकिन पता चलते थे, गर्मी लगती थी, प्यास भूखा वो लगता था। बट इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, लग ही नहीं रहा है कि मतलब हम रोजे से हैं, भूख प्यास किसी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से मतलब गुजर रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि आज 17वां रमज़ान है। और आज हाँ, 17वें रमज़ान के साथ साथ आज 17वें रमज़ान को एक बहुत बड़ी एक बैटल हुई थी जिसका नाम है जंगे बद्र, बैटल ऑफ बद्र। क्या आपको पता है जंगे बद्र के बारे में? अगर पता है तो मुझे कमेंट डाउन कीजिए, वरना मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी जंगे बद्र के बारे में कि क्या बैटल थी, है ना। मैंने लास्ट ईयर के ब्लॉग में भी थोड़ा बहुत इसका जिक्र किया था, इस ब्लॉग में भी इंशाल्लाह जिक्र करूँगी, क्योंकि मौका मिल पा रहा है तो डेफिनेटली करूँगी। तो चलिए फिर अब मैं थोड़ा सा कुरान वगैरह पढ़ लेती हूँ एंड देखते हैं कि आज क्या करते हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं, वो भी करनी है, बाकी मैं आपको जंगे बद्र के बारे में ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। एंड बस चलिए, बहुत जल्दी शबे कदर भी आने वाली है, शबे कदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी शबे कदर को ज़रूर जागिएगा, ज़रूर इबादत कीजिएगा एंड इंशाल्लाह मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो कुरान से पहले मैं अदा कर रही हूँ अपनी फजर की नमाज और अब मैं पढ़ूँगी अपना ट्रांसलेटेड कुरान जो कि सैयद अबुल आला मौदूदी का है। सूरह बकरा मदनी। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थीं उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। और उसके बाद मैं सुनती हूँ एक इस्लामिक लेक्चर जो कि मोहम्मद अली का है। सबसे बड़ी जंग हक और बातिल के दरमियान, और यकीन करें हम बैटल ऑफ बदर को समझ लें तो बैटल ऑफ बदर में अकीदा लेसन बहुत है। अकीदा समझते हैं, क्रीड हमारी जो रूट होती है, ठीक है, यकीन करें बैटल ऑफ बदर को हम बहुत डिटेल। अब हम चलते हैं अपने हॉस्पिटल सरगन कलाम। मेरा हिजाब कैसा लग रहा है ये बताइए पहले? अच्छा लग रहा है, ये हिजाब मैंने फर्स्ट टाइम ओढ़ा है आज। मुझे इसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लाइट लाइट सा, काफ़ी अच्छे कलर लगते हैं भैया। आपको कैसा लग रहा है? तो चलो अब जल्दी से चलते हैं गंगाराम एंड वहाँ चलो चलते हैं कुछ काम एंड फिर आएंगे हम अपने घर, देखते हैं क्या क्या करते हैं। और हाँ, जंगे बद्र के बारे में भी आपको बताना है हमें, इस बैटल के बारे में, तो आपको पता है बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव यू इन्फॉर्मेशन एंड डेफिनेटली अल्लाह विल चेंज यू एंड आपको ये भी पता चलेगा दैट व्हाट्स द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस बैटल एंड आज कितनी ज़्यादा अहमियत है इस बैटल की, आज हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं, जो भी बैटल हुई थी उस वक्त उससे आज हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उसे हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो कैसे हम भी विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने हॉस्पिटल लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन से होते हुए और हम वही पढ़ेंगे दुआ तवक्कल तो अलिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
हम आ चुके हैं अपने ऑफिस क्लिनिकल रिसर्च रूम में और अब हम कुछ करेंगे यहाँ पर काम जो कि हमारा बेसिक वर्क रहता ही है, कभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को साइन कराना, कभी कुछ, एंड ये सारी चीज़ें एक रिसर्चर की होती हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं डेली टू डेली एक्टिविटी में, डाटा डॉक्यूमेंटेशन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और अब वक्त हो गया है हमारी नमाज का और आज की ये जो नमाज़ है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इमोशनल भी है, मुझे नहीं पता क्यों, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और चलो अब हम और थोड़ा सा काम कर लेते हैं एंड फिर हम निकलेंगे अपने घर की ओर। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं हॉस्पिटल से अपने घर आ चुकी हूँ और मौसम देखिए ज़रा कैसा हो रहा है, बड़े सुहाना सा हो रहा है ये मौसम। जैसे रमज़ान गुजर रहा है ना उतने अच्छे से मौसम भी होता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 17वां रमज़ान है और जंगे बदर हुई थी, मैंने आपको बताया था कि मैं जंगे बदर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊँगी। तो बेसिकली जो जंगे बदर थी वो इस्लाम को जीत दिलाने के लिए थी, ठीक है। इसमें जो शहीद भी हुए थे काफ़ी लोग, 313 जो लोग थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से थे और 1000 लोग कुफ्फार मदीना की तरफ से थे जो लोग ईमान नहीं लेकर आए थे। तो ये 17 तारीख थी, 17वां रोज़ा था जिस दिन ये अंजाम हुआ और 313 लोगों ने 1000 लोगों पर शिकस्त की और इस्लाम की जीत हुई। अब वो क्या वाकया है, वाकया काफ़ी बड़ा है, कहने का मतलब ये है कि ये मैटर नहीं करता कि लोग कितने थे, कम थे या ज़्यादा थे, मैटर ये करता है कि जीत किसकी हुई, सच्चाई की हुई या झूठ की जीत हुई। तो सहाबा लोग सच्चे थे, उनकी तादाद कम थी, सिर्फ 313 लोग थे और बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं थे, वहाँ कुफ्फार मदीना पूरे 1000 लोग थे और बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग थे, अबू जहल भी थे उसमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जिन्होंने ईमान नहीं लाया था। तो उन 1000 लोगों की हार हो गई और इनकी जीत हो गई। सो डेफिनेटली जब आप किसी चीज़ के लिए खड़े होते हैं, आज हमारे इंडिया में भी जो हालात है वो कितने ख़राब हो रहे हैं, मुसलमानों के लिए कितनी गलत गलत चीज़ें हो रही हैं, मस्जिदें तोड़वाई जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। मैं आए दिन डेली कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट पढ़ती हूँ जिस दिन मुझे ये लगता है कि अल्लाह क्या हो रहा है सारी चीज़ें, वो यही बात है क्योंकि हमारा जो ईमान है वो कमज़ोर हो चुका है, हम कुरान को छोड़ चुके हैं, हम जो पुख्ता होता है ना, जो एक अंदर से चीज़ होती है वो मुसलमानों में नहीं, मुसलमान मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो हम सबको एकजुट जुटना होगा और हमें हिम्मत करनी होगी, मेहनत करनी होगी और पूरे दिल के साथ इस्लाम के लिए लड़ना होगा, तभी हम मुसलमान को अपने आप को अपने दीन को बचा पाएंगे। तो यस बस कुछ ऐसा ही वाकया था और वाकया वैसे काफ़ी बड़ लंबा है तो मैं अपने ब्लॉग में तो नहीं बोल सकती, बस ये था कि जंगे बदर को ज़रूर पढ़िए और वहाँ से सबक लीजिए, कुछ हासिल कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ यही है कि बस अपने रोज़ों को अच्छे से करिए और अल्लाह ताला से खूब माफ़ी मांगिए और जितना चाहे उतना मांगिए। चलिए मिलते हैं अब थोड़ी देर में, अब हो गया असर का टाइम तो मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर मगरिब का टाइम, इफ्तार का टाइम, फिर देखते हैं। तो अब असर की नमाज़ से भी मैं फ़ारिग हो गई हूँ, अब चलते हैं नीचे, थोड़ा देखते हैं इफ्तार की थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं एंड चलो। आफ्टर इफ्तार हमने पढ़ी अपनी मगरिब की नमाज़ एंड कुछ इस तरीके से जा रहा है हमारा दिन। एंड मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने बनाया अपनी ईशा की नमाज़ का वज़ू और ईशा की नमाज़ के बाद मैंने अपने फेस पर जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो कर रही हूँ पिलिक्स का ये सीरम है, 24 कैरेट गोल्ड सीरम, जो कि मुझे अच्छा लगा, इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे लगे। तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं डेफ़िनेटली, नाइट में कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हायलुरोनिक एसिड है और ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको आज का हमारा पूरा दिन अच्छा लगा होगा एंड आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा,
अगर अच्छा लगा है तो कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयर एंड कीप सपोर्ट टू मी। आई रियली नीड योर सपोर्ट, ऑल ऑफ योर सपोर्ट। आप हैं तो हम हैं। और दूसरी चीज़, अब शब कदर आ रही है तो डेफिनेटली आप शब कदर को जागिए और अल्लाह की ताला की खूब इबादत कीजिए, अल्लाह ताला से खूब मांगिए। ये समझ लीजिए ये जो रमज़ान है आपकी ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान हो, और जो आप मांगते हैं अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतें पूरी करें। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपको मनपसंद चीज़ें मिले, तो मैंने अभी इंस्टाग्राम पर एक दुआ देखी थी, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ योर्स। वो है हस्बी अल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहू अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सो इसको सुबह आप 7 बार पढ़ सकते हैं और शाम में 7 बार पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह यू विल गेट मिरेकल इन योर लाइफ इंशाल्लाह। और मुझे भी दुआ में याद रखिए, क्योंकि आई रियली नीड ऑफ़ योर दुआस, आई रियली नीड ऑफ़ योर सपोर्ट। एंड जस्ट चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।